हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये प्लेटिना बाइक खड़ी है, ओल्ड। दोस्तों, जो हमारी प्लेटिना है, ये ओल्ड मॉडल मेरे पास खड़ी है। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम आपको प्रॉब्लम दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, वैसे इतना ख़ास कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ अभी हमारे पास आई है और इसमें क्या है कि ये स्टार्ट नहीं हो रही। दोस्तों, ये स्टार्ट नहीं हो रही है और कोई ऐसा बड़ा फॉल्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप बात करी जाए इसके करंट की, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको करंट चेक कराएंगे। और दोस्तों, होना भी यही चाहिए कि जब हम दोस्तों अपने गैरेज, अपनी शॉप पे काम करते हैं, जब हमारे पास कोई बाइक आए, तो दोस्तों पहले हम सबसे पहले, अगर स्टार्ट की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसमें हम सबसे पहले पेट्रोल चेक करते हैं और फिर करंट चेक करते हैं। क्योंकि हमारी अगर ये दो चीज़ें ठीक हैं, पेट्रोल आ रहा है और करंट आ रहा है, तो दोस्तों बाकी प्रॉब्लम को समझना तो देखना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, करंट को चेक करते हैं। तो दोस्तों, करंट चेक करने के लिए तो मैंने आपको सबसे पहले मैं करंट चेक करा देता हूँ। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पार्क प्लग में हमारे करंट एकदम जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखते हैं, हम करंट चेक करते हैं, उसके बाद पेट्रोल चेक करते हैं, बाकी की प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों उसको चेक करते हैं, फिर और भी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जैसे प्लग वगैरह चेक करना, एयर फिल्टर चेक करना, कार्बोरेटर चेक करना। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं, सबसे पहले हमें अपने स्पार्क प्लग में जो है करंट को जनरेट देखना होता है और फिर जो पेट्रोल टैंक से जो पेट्रोल की सप्लाई होती है उस चीज़ को चेक करना होता है, बाकी का प्रोसेस सारा बाद में होता है। चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल टाइम न लेके, दोस्तों वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप तक इस बात को पहुंचाना चाहूँगा। तो दोस्तों, इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। और दोस्तों, मैं इसको एक निगाह में समझ गया था, आखिर ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। जब मैंने करंट को चेक किया था तभी मैं समझ गया था क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों, किक को लगाएंगे और किक को लगा के देखते हैं। तो दोस्तों क्या पता चलता है कि हमारे किक में, यानी कि इंजन में, गाड़ी में बिल्कुल भी कंप्रेशर नहीं है। पैर रखते ही दोस्तों एकदम डाउन जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी कंप्रेशर नहीं है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में क्या होता है, जब हमारे बाइक में कंप्रेशर नहीं है तो दोस्तों किस तरीके से वो ब्लास्ट हो पाएगा, जहाँ पे यानी के ब्लास्ट होता है जब वहाँ पे हमें पावर नहीं मिलेगी तो किस तरीके से ब्लास्ट होगा, दोस्तों सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दोस्तों, कंप्रेशर क्यों नहीं है, बाइक में प्रॉपर मोबिल भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों क्या है कि इसके टैपिट वाल हमारे टाइट हैं। और दोस्तों, इस तरीके से अगर हाथ से लगा के दिखाएं आपको तो किक आराम से डाउन जा रहा है। दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों हमारे मैकेनिक भाई और भी जितने लोग हैं दोस्तों, साथ साथ उम्र के हिसाब से दोस्तों तजर्बा भी आ जाता है, काम करते करते नॉलेज भी हो जाती है, तो कुछ लोग निगाह से भी फॉल्ट बता देते हैं और उसको समझ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही मेरे पास आई, मैंने किक को लगाया, मैं तुरंत समझ गया कि इसके कहीं ना कहीं या तो वाल टाइट हैं, फिलहाल टैपेट से ही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने करंट को चेक किया तो हमने जब यहाँ से खोला तो बिल्कुल भी हमें कंप्रेशर नहीं लगा। चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे और इसके टैपेट ढक्कन ओपन करेंगे, फटाफट इसके चारों बोल्ट को खोलते हैं और अभी हम आपको टैपेट चेक कराते हैं। दोस्तों, ये मैकेनिक भाई जो हमारे गाड़ी वाले भाई हैं, ये भी बता रहे थे कि बंद तो बहुत हो रही थी, जैसे ही एक्सीलेटर से हाथ हटाते हैं बंद होने लगती, लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि बाइक स्टार्ट ही होना कर रही हो रही है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा टाइट हो सकते हैं और कंप्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, मैं फटाफट टैपेट ढक्कन को इसको ओपन कर लेता हूँ और अभी मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ चेक करा देता हूँ। फटाफट ढीला करते हैं इसको और लूज़ करो, उधर वाला भी लूज़ करो इस तरीके से। दोस्तों, पहले आपको टैपेट ढक्कन इसके खोल के दोस्तों अभी चेक कराना चाहेंगे हम। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हम, फिर भी दोस्तों थोड़ा बहुत लंबा होता है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको कुछ सीखने लायक और जानने लायक ज़रूर मिलेगा। चलिए, दरवाला भी ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट पहले इसको खोल लेता हूँ और अपनी वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक देता हूँ। पाना ठीक से लगाओ, बोल्ट के पैल मर जाते हैं। दोस्तों, मैंने दोनों टैपेट के ढक्कन ओपन कर लिए हैं। अब मैं पहले क्या करूंगा दोस्तों, पिस्टन को फटाफट टॉप पे ले लेता हूं और फटाफट आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कितने ज़्यादा बाल टाइट हो रहे हैं। मैं अब दोस्तों पिस्टन को टॉप पे करने के लिए यहां पे इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको टी पे लेके आना है, पिस्टन को टॉप पे लाएंगे दोस्तों, तभी आप पिस्टन को टॉप पे ला के टैपेट मिला सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों इसमें 14 का गोटी लगा लेंगे, और 14 का गोटी लगाने के बाद जैसा कि हम आपको दिखाएंगे इस तरीके से आप घुमाएंगे इसको, तो आपको क्या होगा, एक एरो का निशान मिलेगा आपको। इस तीर का जो निशान है दोस्तों ये आगे की तरफ बोल रहा है। चलिए हम आगे चलते रहेंगे और फटाफट अपनी टी को देख लेंगे। चलिए दोस्तों मुझे फटाफट देख लिया है मैंने, एकदम मुझे अपना टी यहाँ पे मिल गया है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, अगर टैपिट को चेक करूँगा तो दोस्तों टैपिट हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हैं दोस्तों, बिल्कुल भी पिले नहीं हैं। चलिए फटाफट मैं टैपिट को भी मिला लेता हूँ, 8-9 का पाना और टैपिट का पुनर ले लेता हूँ, और फटाफट इस तरीके से मैं इनको मिला लेता हूँ। इस तरीके से 9 का पाना लगाएंगे और इस तरीके से टैपिट मिलाएंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बाल टाइट हो रहे हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ी देर हम कैमरे को ऑफ करेंगे और अभी आपको टैपिट मिला के चेक करा देते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें ज़रा भी पिले नहीं है किसी भी तरीके के, दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बाल टाइट हो रहे हैं। चलिए मैं फटाफट मिला लेता हूँ। दोस्तों मैंने टैपिट को मिला लिया है। दोस्तों अगर टैपिट के बारे में आपको बताना चाहूँ, जो मेरा इनलेट का बाल है दोस्तों इसमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे की आप पिले नहीं देंगे। किस तरीके से पिले देंगे चलिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस तरीके से सिर्फ साइड पिले, अगर हम आपको दिखा सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से साइड पिले आपको देना है टैपिट के अंदर। चलिए दोस्तों अगर इस बाले की बात की जाए तो दोस्तों इसमें क्या है, थोड़ा आपको ऊपर नीचे भी पिले देना होगी। दोस्तों हल्की ऊपर नीचे पिले आपको यहाँ पे देना होगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना साउंड आएगी टैपिट की। चलिए दोस्तों मैंने टैपिट बहुत अच्छे से मिला लिए हैं, मैं इसके कवर को लगाऊंगा और फटाफट आपको स्टार्ट करके अभी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों मैंने टैपिट ढक्कन अच्छे से फिट कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब कंप्रेसर अगर दिखाना चाहूँ तो चलिए मैं हाथ की मदद से अब इसको दबा भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इतना ज़्यादा कंप्रेसर आ गया है। दोस्तों इसमें कोई बड़ी छोटी नहीं होती है, बाल टाइट होने की वजह से कंप्रेसर की प्रॉब्लम आने लगती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको स्टार्ट भी करके दिखा देता हूँ, मैं प्लग का एडाप्टर को लगा लेता हूँ। दोस्तों फटाफट हम आपको अभी स्टार्ट करके दिखा देते हैं, इस तरीके से एडाप्टर को इसमें लगा लेंगे। दोस्तों मैंने एडाप्टर लगवा दिया, चलिए किक लगवाते हैं हम आपको और स्टार्ट करके दिखाते हैं। चलो दोस्तों फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है अच्छे से, स्लो भी सही रोक रही है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आप देख पा रहे हैं। दोस्तों एक बार और स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, चलिए किक लगाते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा